अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं के साथ। रमज़ान के रोज़े आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस रमज़ान अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि हम माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखें और खूब सारी इबादत करें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो आज की वीडियो में आपके साथ अफ्तार प्रिपरेशन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं किचन में आते ही फ्रूट चाट को रेडी करके फ्रिज में रख दूंगी ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। ये फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। आप फ्रूट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके अंदर मैंने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो काली मिर्चें हैं और साथ में मैंने चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा पानी। वो सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके फ्रिज में रख देंगे और फिर पकौड़े इसके अंदर डिप करके खाएं। आय हाय, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है, लाजवाब है ये। पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और मैं दूसरे साइड पे चिकन पुलाव रेडी कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो गैस है ना वो 6 बजे बिल्कुल बंद हो जाती है। इसलिए हमें जो है 6 बजे तक सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, मतलब जो चूल्हे के जितने भी काम हैं गैस से रिलेटेड वो सारे काम हम 6 बजे तक कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हमें मसला नहीं होता गैस आए या ना आए, वो फिर हमारा सर दर्द नहीं है। खैर, हमें जो है ना पहले रमज़ान बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, हमें नहीं पता था कि 6 बजे गैस बंद हो जाएगी क्योंकि फ्राई आइटम्स तो बिल्कुल एंड टाइम पर ही फ्राई किए जाते हैं। इसलिए जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे थे 6 बजे तो हम फ्राई करेंगे। जब हमने 6 बजे चूल्हा खोला तो गैस बिल्कुल ही बंद हो गई। इसलिए जो है ना हमने पहला अफ्तार जो है खजूर के साथ और फ्रूट चाट के साथ किया था। उसके बाद जो है हमने रोज़ा अफ्तार करने के बाद गैस आ गई थी तो फिर बाकी चीज़ें हमने रेडी की थी। तो इसलिए अब हमें पता चल गया कि 6 बजे गैस चली जाती है तो हम सारा काम जो है 6 बजे से पहले ही कम्प्लीट कर लेते। रमज़ान से पहले मैंने सोचा था कि मैं रमज़ान में ना पहली सहरी की भी रूटीन शेयर करूंगी और अफ्तार की भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अफ्तार में तो बिल्कुल गैस नहीं आएगी। सहरी में था, थोड़ी कम थी गैस लेकिन चीज़ें तैयार हो रही थी, लेकिन अफ्तार में तो सिरे से ही गैस बनती। खैर, वक्त गुजर गया, अब हमें पता चल गया है कि 6 बजे गैस चली जाती है, इसलिए हम लोग 6 बजे से पहले ही सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तैयार हो चुकी हैं, इसको बस डिश आउट करते हैं और फिर दस्तखान लगाते हैं। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना है और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये है हमारी दस्तखान की पूरी लुक, जो मैंने सारी चीज़ें तैयार की हैं। अफ्तार में जो जो चीज़ें बनी वो मैं आपके साथ शेयर करती गई हूँ कि क्या क्या बना है। वैसे भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, दही बड़े बने थे, फ्रूट चाट है और आलू वाले पकौड़े हैं, साथ में लच्छेदार पकौड़े हैं और चिकन पकौड़ा है और साथ में चिकन पुलाव भी है। सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं और बस यहाँ पर बैठ के हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा है। अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूला करें। अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।